हैं, यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। दरख्तों से लुत्फ अंदोज होते हैं। बहुत सारी तादाद में यहाँ झुग्गियाँ थी, रोज इन पे पानी डल रहा है और इनकी देखभाल हो रही है। नागन चौरंगी के बिल्कुल अपोजिट है। बहुत बड़े खाली प्लाट पे बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ताहिर नबी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं नागन चौरंगी पे मौजूद हूँ जहाँ पे झुग्गियों की कतार लगी हुआ करती थी। आज यहाँ पे हुकूमत ने एक नया इकदाम किया है कि यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकरम साहब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कुछ अर्सा पहले झुग्गियों की लाइन लगी हुआ करती थी, भरी पहले होती थी, अब यहाँ से चले गए, ये चले गए। ये अच्छा, क्या ये जो अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है इसमें ये जो दरख्त लगे हुए हैं इसमें किस किस चीजों के दरख्त हैं? और चुकंदर है, गोभी है, केला है, बैगन है, मूली है, सब चीज के दरख्त लगा है इधर। और इसमें पानी वानी डालने का रोजाना पानी ड्यूटी लगाते हैं, 8 घंटे पानी डालते हैं तो ये चीज नजर आ रही है। अच्छा, ये दरख्त के बीज लगाए गए हैं या पूरे पूरे थोड़े से बड़े हुए दरख्त लाके लगाए गए? कुछ में बीज भी डाले और कुछ डायरेक्ट बड़े हुए पानी से। कई एकड़ पे मुश्तमिल ये प्लाट है जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे फल फ्रूट के पौधे लगाए गए हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये पपीते का दरख्त लगाया हुआ है इन्होंने, और पपीते के दरख्त के साथ ही ये आम का पेड़ भी लगाया हुआ है। ये सब पौधे अभी छोटे हैं लेकिन वक्त के साथ साथ रोज इन पे पानी डल रहा है और इनकी देखभाल हो रही है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे इन पौधों पे स्प्रे किया जा रहा था, मैंने उन माली से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पे स्प्रे इसलिए कर रहे हैं कि ये पौधे अभी छोटे हैं, इन पे किसी किस्म का कीड़ा या कोई और दीमक वगैरह ऐसी ना लग जाए जिससे ये पौधे खराब हो जाए। नाज़रीन यहाँ के घर वाले लोग जो ये सामने आपको वीडियो में दिख रहा होगा घर बने हुए हैं, ये अर्बन फॉरेस्ट बनने की वजह से ये लोग अब शाम में अपने घर से निकलते हैं और अर्बन फॉरेस्ट में आके एंजॉयमेंट करते हैं। बच्चे खेलते हैं, बड़े चादरें बिछा के बैठ जाते हैं और दरख्तों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और ये सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से ये अर्बन फॉरेस्ट बनने की वजह से सफाई सुथराई सारी चीज़ों का ख्याल होगा और माहौल बहुत खुशगवार हो जाएगा। नागन ये जो अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है ये नागन चौरंगी के बिल्कुल अपोजिट है, दारुल सुरूर के बराबर में वाकिया है। यहाँ का सारा कचरा उठा के ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये सामने दारुल सुरूर बैंक्वेट था जिसको तोड़ दिया गया है, अंथराइज बना हुआ था, फिलहाल ये कचरा उसमें डाल दिया गया है, डालने के बाद वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। और जैसे कि बताता चलूं कि यहाँ बहुत सारी तादाद में यहाँ झुग्गियाँ थी, जब इस प्लाट से इन झुग्गियों वालों को निकाला तो ये नागन पे अंडर बाईपास के नीचे जाके रिहायश पजीर हो गए और वहाँ पे भी रहने के साथ साथ टीवी इनके पास है, बिजली इनके पास है, वाईफाई सिस्टम इनके पास लगा हुआ है, पूरी अय्याशी के साथ ये वहाँ पर रह रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि केसी वालों ने इनको लाइट भी दी हुई है, 4 दीवारी भी उठा ली थी। नाज़रीन ये जो आप अर्बन फॉरेस्ट देख रहे हैं बहुत बड़े खाली प्लाट पे बनाया गया है और मजे की बात ये है इसमें बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं, जैसे बैगन है, शलजम है, पालक है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, और इसमें सब्जियों के साथ साथ बहुत सारे फ्रूट के दरख्त भी लगाए गए हैं, पपीता है, चीकू है, मौसम्बी है, और यहाँ पे नींबू है, केले के दरख्त भी मौजूद है। बहुत सारे इधर अभी छोटे छोटे ये दरख्त लगा दिए गए हैं, इंशाल्लाह ताला जैसे ये दरख्त बड़े होंगे तो आवाम इससे खूब फायदा उठाएगी। और यहाँ पे पानी की लाइन जगह जगह दे दी गई है, ऐसे नल दे दिए गए हैं जहाँ सुबह पाइप लगा के ये लोग इस पे छिड़काव वगैरह करते हैं।
नाज़रीन, आज हमने आपको विजिट कराया नागन चौरंगी का एक बहुत बड़े खाली प्लाट के अंदर, जो कि झुग्गियाँ डली हुई थी, गवर्नमेंट ने उसको साफ करा के अर्बन फॉरेस्ट बनाया है। इस अर्बन फॉरेस्ट में बहुत सारे दरख आपको हमने अपनी इस वीडियो में दिखाए हैं। इसी वीडियो के साथ मुझको दीजिए इजाज़त, आपका और मोहम्मद ताहिर नबी। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।